असल mm -hmm. आज भी क्या जाना कैसे हैं सर आप? सर बहुत बहुत मुबारक हो सर आपका भी खैर मुबारक जो किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो मैं आ, ऐसे भी बोल दिया मुझे भी समझ नहीं, नहीं आ रहा मैं मुबारकबाद दूं कि क्या बोलूं मगर ये कि वी बीन टॉकिंग अबाउट इट दिस इज इंडियाज वर्ल्ड कप इंडिया और आज वही हो गया फाइनल जो है वो पाकिस्तान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया जो है वो अनफॉर्चुनेटली पूरे टूर्नामेंट में एक मैच हारे और वो फाइनल हार गया वेरी बैड वेरी सैड आई वॉज होपिंग के इंडिया जीतेगा मैच देखा आपने मैच देखा सर आज मैच तो आज मिस करने वाला नहीं मिस करने वाला मैच नहीं था mm -hmm. और यू नो अगेन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है यार ऑबियसली अगर आप इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इतना तो जबरदस्त आप खेलते हुए आ रहे हो और डोमिनेट करते हुए आ रहे हो और एकदम एक मैच ये तो पता ही था कि एक ना एक मैच बंदा हारता है और क्रूस स्टेज पे हार गए और ऑस्ट्रेलिया जो है वो नॉकआउट में तो बीस्ट हो जाती है दे बिकम अ डिफरेंट टीम बेस्ट एवर टीम बन सकती थी इंडिया की किसी होस्ट कंट्री ने अनबीटेबल वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया तीन बार वर्ल्ड कप जीता है मगर कहीं और ऑस्ट्रेलिया में नहीं ठीक है ना ये बेस्ट एवर टीम के लिए खेल रही थी और ये रोहित शर्मा राहुल टिकट ट्रॉफी नहीं नहीं सीरियसली और चले स्कोर कार्ड की तरफ चलते जल्दी से स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए वन सेकेंड टॉस जीता पैट कैमेंस उन्होंने बैटिंग दे दी उनको सीम्स लाइक रोहित शर्मा भी यही चाहते थे कि बैटिंग करनी थी उन्होंने पहले टू फोर्टी रनस किए स्टार्टिंग बड़ी अच्छी थी रोहित शर्मा ने यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट दिया है लाइक आई थाट कि भाई दिस ही इज़ गोइंग फॉर ही हैज अ डिफरेंट माइंड सेट एट द मोमेंट जिस तरह वो बंदा आगे निकल निकल के मार रहा था मैंने कहा ये तो मतलब आठ ओवर में अस्सी थे उनके यार छक्के लगा दिए थे उसने शुरू में उसने शुरू में और ऐसी जगह विकेट दे के आगे जहाँ ज़रूरत नहीं थी मतलब मैक्सवेल को आपने एक छक्का मार लिया था एक चौका मार लिया था ज़रूरत नहीं थी एक और आगे बढ़ के दो आप गलत पॉइंट ऑफ गलत शॉट आई थिंक जब गिल आउट हो गया था पहले ही तो रोहित को विकेट पर खड़ा होना चाहिए <coughs> एंड आई सिंसियरली थाट के जो है रोहित शर्मा की आई सेंचुरी करता मेरे दो ही बंदे थे भाई रोहित खेलेगा और हेड खेलेगा दोनों में जो खेलेगा वो मैच जीतेंगे वो हुआ रोहित नहीं खेला हेड खेल गए नहीं और यहाँ पर मैं गिल को भी बोलना चाहूँगा कि गिल जो डोंट नो इफ यू टू कॉल दिस के एन एक्सपीरियंस बोलो क्या बोलो जब आप देख हो सामने एक बंदा इतना ज़बरदस्त मार रहा है आपको क्या ज़रूरत है यार पुल मारने की बच्चा है भाई <coughs> बच्चे की बात नहीं इतना बड़ा, बड़ा ये मैच इतने बड़े मैचेस भाई बड़े बड़े खेलते हैं आपके ये बच्चे नहीं खेलते ये गेम था रोहित का कोहली का आ, जडेजा का ये आपके बड़े बड़े राहुल का बड़े बड़े प्लेयर के और भी यंग है अभी लेकिन ये बेसिकली राहुल और गेम था ये रोहित और कोहली का कोहली का गेम था भाई ये आपके पाकिस्तान 92 में मियादात और इमरान खान गए थे खेले थे लंबा पूरा गेम लेके पूरा गेम बना दिया उन्होंने बना के गए थे ना बाकी फिर बच्चे साथ साथ खेले थे तो यहाँ भी वही था ये गेम इतने बड़े बड़े गेमों में जब आपको कोई टीम मिल रही है ऐसी जो आपको लेके बैठ सकती है इट वाज ऑल कोहली एंड रोहित नहीं सही कह रहे हैं आ, वो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात करी नाइन्टी कप में जल्दी विकटें गिर गई थी तो मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ देखे इमरान खान और अमी आद के वही कह रहे थे कि हम बहुत पुराना करने गए थे ठीक है ना हाँ सीनियर प्लेयर है ना बड़े प्लेयर हैं पुराने प्लेयर हैं वो गेम खेल जब चलाएँगे तो बाकी सब खेलते हैं साथ राइट Yeah. और वो नहीं हुआ वो रोहित की आज आई थिंक थोड़ा जल्दी कर गए उससे पहले तीन चौके मारे थे कोहली ने यू you नो know, गेम मतलब रोहित जल्दी कर गए वरना तो गेम उनके हाथ में था यही पचास रन और होते तो गेम फंस जाता हाँ हाँ नहीं ये आराम से तीन साढ़े तीन सौ मारते उनको जिस तरीके से जा रहे थे रोहित ने पूरा स्कोर निकाल दिया था जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी अगेन मैक्सवेल जैसे बंदे को आ दे के आ गए यार मेन विकेट थी भाई वो हेड का कैच mm -hmm. एक कपिल का कैच था और अब ये हेड का कैच आया कैच बहुत जबरदस्त था वो ठीक है ना और यू हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ कैचेस इन दिस काइंड ऑफ गेम्स टू बी एबल टू बी ऑन टॉप यू यू नो हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी और उसके बाद जो है वो फिर उसके यू नो अ वेरी अनफॉर्चुनेट विकेट ऑफ विराट कोहली इन एज लगी और वो भी बोल्ड हो गए बहुत हाँ uh, तो उसके बाद जो है फिर सब लोग केएल राहुल को ब्लेम कर रहे हैं कि यार बहुत स्लो खेला बंदा सौ बॉलों पे सिक्सटी रन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये गेम दो उनके उनके नहीं थे भाई ये ये गेम थे को कोहली के और रोहित के कोहली साइड में खड़ा होता तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर लेता है गेम चेंज कर लेता लेकिन वो प्रेशर आ गया भाई सबको उसने ये सोचा कि हमें पूरा लेके जाना नहीं तो सर ऑल आउट ना हो जाए दे मिस कोहली को और के राहुल को नज़र आता है पीछे कौन है समझे भाई

नहीं सूर्य को भी देखना चाहिए कि यार हर मैच में आप एक ही शॉट नहीं खेलोगे कि आप बस पीछे मारे जा रहे हो, मारे जा जा रहे रहे हो हो सबको तो पता ही। ही है है वही गेम ना तो ओवर जब ज्यादा मिल जाएंगे तो फिर क्या करेगा बंदा बस यही है ना कि तो फिर उसके लिए आपको वही मैं जब से कहता है कि अगर जरूरत पड़ गई अगर इनको ज्यादा ओवर की तो फिर आपको ईशान याद आएगा और हुआ ही नाथ दैट के वो वो भी कोई आउट क्या होता है वो भी आउट हो जाता है लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ जस्ट एक ये थाट है कि उसको होता तो कोहली को भी होता भाई ईशान बैठा है पीछे राइट तो आई डोंट नो कि कितना कॉन्फिडेंस है कि भाई तीस ओवर बाकी हैं पच्चीस ओवर बाकी हैं कैसे खेलेंगे ये लोग तो जैसे गेम के स्लो होता चला गया और आखिर में जो है वो स्कोर जो है वो ऑबियसली इतना नहीं कर पाए जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई शामी ने आते ही जो है वो मतलब पहले ओवर में तो उन्होंने वार्नर और ट्रेविस ने जब चौक चौक के मारे तो पहले ओवर में मारना शुरू कर दिया तो फिर शामी भाई ने आते ही पहली बॉल भी विकेट ले ली बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा कोहली ने आ, आ, स्लिप you know, exactly, दूसरी तो बार, बार मारा तो, है उसने आईसीसी के अलग uh, uh, में, तो, में आ गया था और अभी मैं भी अलग में, में आ गया कहा ना कि ये मैं बोल रहा था पहले भी कि ये जो बड़े मैच का प्लेयर बड़े मैच के प्लेयर की बात नहीं है ये बैलेंस लाया टीम में उनकी जो पहले दो मैच ऑस्ट्रेलिया हारा दोनों में ट्रेविस नहीं था वो आया तो एक अजीब सा बैलेंस आया बॉलिंग भी करता है कैश देखी लिया आपने आज मतलब फुल इम्पैक्ट प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर अच्छा शुरू जब जब वो जब वो बिल्कुल फ्लो में आ गया था ना तो कुछ छक्के चक, जब उसने मारे हैं मिडॉन और मिडॉन के तो आ, मुझे तो यंग वार्नर याद आ गया था वार्नर मारते थे ऐसे निकल निकल के भाई ये अच्छा प्लेयर है मुझे ये से ज़्यादा कंप्लीट प्लेयर लगता है ये स्लो भी खेल लेगा तेज भी खेल लेगा रोक भी लेगा बॉलिंग भी करता है फील्डर भी बेहतरीन है, मतलब लाइक बड़ा जबरदस्त मैच जीतेम्बिशन

बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट वो और अनफॉर्चुनेटली इंडिया वॉज ऑन द बैड साइड बट वंस अगेन आई वुड से के दे डोंट हैव एनी दे स्टिल डेस्टल देर नी तो बड़ी बॉट अगेन दे प्लेड ब्यूटीफुल क्रिकेट वन वे वन हैज टू लूज वन हैज़ टू विन अनफॉर्चुनेटली दे वर एट द लूजिंग साइड दिस टाइम बट पू पूी का जो टूर्नामेंट गुजरा है ये पूरा और उनकी जो बॉलिंग अटैक गई है बैटिंग गई है आई मीन रोहित शर्मा की ने तो बहुत ही तीन चार सेंचुरी आ रही रोहित शर्मा की ही प्लेड फॉर अ टीम हम जो हैं सेमीफाइनल देख रहे थे जब इंडिया का तो जब मैंने उसमें नोटिस यही किया था कि इंडिया प्लेड अ कंप्लीट गेम बेस्ट गेम राइट चार सौ रन बन रहे हैं हर तरफ से मतलब होता है परफेक्ट गेम खेल के फिर जाके जीते थे वो हाँ, हाँ नहीं वो उस गेम में भी यही हुआ था कि स्पिनर्स इनके विकटें नहीं ले रहे थे हुँ. अगर शामी के आप वो सात विकटें निकाल दें तो बाकी हर चीज़ परफेक्ट थी फिर मैच जीते थे अब सात विकेट आप हर दफा नहीं लोगे भाई। uh, you know, that was के का तो वो ही आज हुआ फाइनल के अंदर के जब आउट नहीं हुए पहली बात तो इन्होंने गलती राज को पहला कराना hmm. uh, चाहिए था स्पिनर नहीं लगाना चाहिए आपके वही तो मसला आ गया भाई आप आउट नहीं हो रहे थे तो आप वापस से लेके आते क्योंकि आपको पता ये पचास ओवर का गेम नहीं था बहुत कम था बॉस सर इसीलिए आपको अटैक खेलना होता है आप एक दो ओवर से शामी से और करा देते बिकॉज आखिर में ओवर बचाने की जरूरत नहीं थी अगर आप ट्रेविस को आउट कर देते साथ में उसकी एक और विकेट ले लेते मैच फंस गया था वहाँ पर थिंक आई थिंक शामी को वही दूसरी बॉल देनी चाहिए थी मैं दो दो ओवर और करवा लेते Uh, क्योंकि ये तो शुरू से ही पता था कि ये पचास ओवर तक तो नहीं जाएगा दे दे, दे कैन इजीली विन दिस, दिस गेम सिराज को गेम से बाहर कर दिया वो गलत हुआ उसको आप नए बॉल देते तो वो शायद कुछ करता दो तीन ओवर में उसके भी शायद एक आध विकेट निकल जाती फिर शामी आता चेंज में आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट जो करते आ रहे हैं ये लोग आई थिंक थोड़ा पैनिक हुए कुलदीप यादव कुछ नहीं कर पाया कम थे के आल की कीपिंग आज आपको नजर आई हालत ख़राब थी क्योंकि वही वाली बात है भाई पार्ट टाइम और फुल टाइम बहुत फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है बड़े मैच में देखो, हुआ, नहीं हुँ। 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 दूसरा ये कि पता है काफ़ी जो इंडियन पंडित्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पिच पिच थी ना वो वाई दिद लाइक हाँ दिस तो कि जिसमें कुछ था ही नहीं अब बैटिंग नहीं हुई तो फिर बॉलिंग भी नहीं हुई गले में आ गई ना ये तो इन्होंने पिच बनाई थी इन्होंने अपने मकसद की पिच बनाई हुई थी वो बस गले में आ गए अगर इंडिया इस पर स्कोर कर देता या इंडिया को चेस करना पड़ता तो इंडिया आराम से चेस कर लेता बिकॉज पिच में कुछ था ही नहीं इनको यही तैयार या तो यही सोच रहे थे कि हम टॉस जीत के बैटिंग चेस करेंगे वैसे इंडिया को जो है बैटिंग पिच ही बनानी चाहिए थी उनकी टीम को शूट करती जो उनकी टीम को शूट कर दी तेरह रन दोस्त तो ते उन्होंने सब ने यही क्रिटिक किया कि यार आपको पिच में इस तरह की पिच बनाने की क्या ज़रूरत थी जिसमें कुछ था ही नहीं कि अगर अगर एटलीस्ट कुछ तो अपने पास रखते एक चांस कि अगर भाई बैटिंग ये पिचेज ऐसे इंडिया में आई होता है पिचें बनती हैं हासिल होती हैं चलती हैं इनको सबको पता है इंडियन प्लेयर्स को कैसे खेलना है पिचस पे इज वज हार्ड लक बस बैड लक थी और ऑस्ट्रेलिया ने जान मारी दे वर वाइड अवेक फ्राम बॉल वन आप प्रैक्टिस में जो गेम थे पहले ही वो लगे हुए थे पिच पे बॉलिंग कराने में फील्डिंग वो भाई वो डिफरेंट मूड वो डिफरेंट दे, मोड में थे वो आज हारने नहीं आया था और कम की अगेन मैं कहूँगा भाई जितनी तारीफ की जाए कम है नहीं सीरियसली ही ही इज अ मैच विनर

इट्स यू यू नो इट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बूस्ट ऑल टुगेदर इन द टीम और इंडिया को चैलेंज नहीं हुआ पूरे टूर्नामेंट किसी मैच में भी चैलेंज नहीं हुए वो जितने भी मैचेस होते रहे उनके uh, जो उन्होंने जितने भी टीम के साथ खेला वन साइड जीते हैं वो लिटरली सारे वन साइड जीते हैं उनको किसी भी मैच में कुछ था चैलेंज थोड़ा बहुत लेकिन कोई सही तरह से ऐसा कुछ नहीं कोई हुआ। हुआ। था कि ऑस्ट्रेलियन पहले गेम में ही हुआ था तीन आउट हो गए थे दो रन पे

इंडिया ने भी कितने तीन आउट कर दी फोर्टी सेवन कितने हाँ. तो रन का प्रेशर होता तो डिफरेंट चले बहर बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा और इसी के साथ ही जो है वो अब हम इस आ, सीरीज को भी एंड करते हैं हमारी वर्ल्ड कप की पॉडकास्ट की सीरीज को काफ़ी मजा आया काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही आपके साथ इन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट टूर्नामेंट में अब आगे पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है और डिफरेंट ट्वेंटी वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे पर वंस अगेन थैंक अगेन फॉर ऑल द इन टिप्स एंड एक्सपर्ट रिव्यूज ऑन द वर्ल्ड कप मज़ा आया बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट हुआ तफरी रही फुल टाइम अस्सी मजाक होता रहा है होप किसी ने अगर हमें देखा हो तो उन्होंने <laughs> 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 भी इन्जॉय किया चले फिर इनशाला बात करेंगे आपके साथ